द बॉय पार्ट वन में हमने देखा था कि ब्राहम नाम के एक छोटे से लड़का, एक छोटे से लड़की जो कि उसकी दोस्त थी, उसको लेकर एक छोटे से जंगल में जाता है और उसको मार देता है। लेकिन उसके माँ बाप उसको बचाने के चक्कर में घर के दीवार के अंदर उसको चुनवा देता है, मतलब के ज़िंदा, और वो वहाँ पर ही रहता है अगले 20 सालों तक। के लिए ग्रेटा नाम के एक लड़की लाई जाती है जो कि इसके आगे देखभाल करने वाली थी। लेकिन जब उसके दोस्त को वो लड़का बाहर निकल के मार देता है, तब ग्रेटा और उसके दूसरा दोस्त किसी तरह उसको इंजर्ड करके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो साला तो अब तक जिंदा था और वो अपने पुतले को जोड़ रहा था। और अब आगे तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो कि एक घर में रहते थे और उनका एक बच्चा भी था जिसका नाम था जूड। उस बच्चे का जो बाप था वो काम के सिलसिले में हमेशा ही बाहर रहता था। एक दिन उसके घर में एक रॉबरी हो जाती है और उस चक्कर में उसकी माँ को बहुत ही गहरा चोट लग जाती है और उसी सदमे में उसके माँ और वो बहुत ही बुरी तरह से हिल जाते हैं और इसी वजह से जूड बात करना बंद कर देता है। तो हम आगे देखते हैं, 5 महीने गुजर चुके थे और 5 महीने बाद भी जूड वैसा ही था। वो अपने माँ बाप से भी बातें नहीं करता था। उसके माँ भी रात को हमेशा ही डर कर उठ जाती थी। इस वजह से उसके बाप भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाप सोचता है कि हम साला इधर रहेंगे ही नहीं तो डरेंगे क्यों, मतलब कि वो सोचता है कि जगह परिवर्तन करने से उसकी मन को शांति मिलेगी और उसकी जो बीवी है वो उतना ज़्यादा नहीं डरेगी। तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे, मतलब कि एक नए जगह पर जाते हैं जहाँ पर पहले मूवी का घर था, मतलब कि वो लोग उसके पड़ोस में ही रहने आ गए थे। वो लोग बाहर निकल के देखते हैं कि एक बड़ा सा महल, हाँ वो वही महल था जहाँ पर ब्राहम्स है। इस घर के बाहर जूड को वही दफनाई हुई डॉल मिलती है। ये बच्चा इस डॉल को लेकर अपने घर आ जाता है। वो जब इस डॉल को घर में ले आती है तब उसकी मदर इस डॉल को बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर देती है। इस डॉल को साफ करने के वक्त जूड के मदर को एक नोट मिलता है डॉल के अंदर से, जो कि वही पीला नोट था जिसमें उसके सारे नियम कानून लिखे हुए थे कि इस डॉल को कैसे पालन करना है। जूड यहाँ पर इस डॉल के साथ आराम से रहने लग गया था और सरप्राइजिंग बात ये तो थी कि जूड ने इस डॉल का नाम रखा था ब्राहम। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पहले मूवी का जो लड़का था उसका नाम है। जूड अपने माँ बाप के साथ लिखकर बातें किया करता था और वो लिखता है कि ब्राहम्स ने अपना नाम खुद ही रखा, मतलब कि वो डॉल ने। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि इस पूरे इलाके की रखवाली किया करता था। उस आदमी के पास एक डॉग भी था। जूड अपने माँ बाप को बोलता है कि मुझे इस आदमी के डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं और मेरे पुतले को भी इस आदमी के डॉग बिल्कुल पसंद नहीं। वो बताता है कि ये डॉल मेरे से बातें भी करता है। जूड इस डॉल के साथ ही रहने लगा था और वो उसके साथ बातें भी करता था जो कि उसकी माँ बाप एक रात सुन लेते हैं। जूड के माँ बाप जब देखते हैं कि उसके बेटा बोलने लगा है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन जूड अपने माँ बाप को लिखकर बताता है कि ये सारे रूल्स इस डॉल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप सारे लोग इसी रूल्स को फॉलो करेंगे। इसी रूल में एक रूल ये भी था कि जूड हमेशा हमेशा के लिए इसी डॉल के साथ रहेगा और वो इसी घर में रहेगा। जूड के पेरेंट्स को लगता है कि वो ये सब बात खुद से कर रहा था, लेकिन वो लोग जूड को कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि उनको ये बातें अच्छी लगती थी कि उनके बेटा खुश था। लेकिन अगले दिन जूड के मदर को एक डॉल मिलती है जो कि बुरी तरह से फटी हुई थी। वो जूड को पूछता है कि उन्हें ये क्यों किया, लेकिन जूड बोलता है कि मैंने ये नहीं किया, ये काम इस डॉल ने किया है।
लेकिन झूठ की मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके बेटे उनसे झूठ बोले। उसके माँ उसको सजा देता है और उसके माँ उसको एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन ये बात उस डॉल को पसंद नहीं आती। हम उस डॉल के फेस को डाल होते हुए देखते हैं और उसके आईज भी मूव करने लगी थी और अब ये डॉल तो जगह भी बदलने लगा था। झूठ के मदर को उस पर शक होता है कि ये कुछ अजीब है, लेकिन वो अपने बेटे के खुशी के लिए इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है उसी आदमी को जो कि इस घर के आसपास के ग्राउंड्स को रखवाली किया करता था। वो आदमी झूठ को बोलता है कि मेरा डॉग गायब हो गया है, क्या तुम्हें पता है इस बारे में कुछ? झूठ कुछ नहीं बोलता और वो यहाँ पर समझ जाता है कि इस आदमी को इस डॉल के बारे में कुछ तो पता है जिस बारे में वो किसी को बता नहीं रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि झूठ के मदर उस डॉल को चेक करती है, तभी अचानक से उस डॉल के मुंह से अजीब सी चीजें बाहर निकलने लगती है। झूठ के मदर बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो चीखती है। चीखे सुनकर जब झूठ के फादर वहां पर आता है तो देखता है कि सभी नॉर्मल था और उसको लगता है कि उसके बीवी को नाइटमेयर आई थी। नेक्स्ट डे जब झूठ के मदर उनके बेटे के ड्राइंग्स देखते हैं तो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो यहाँ पर उस आदमी के डॉग को छुरा से मारने की ड्राइंग बनाया था, अपने पेरेंट्स को गन से मारने की ड्राइंग और बहुत कुछ अजीब ड्राइंग्स बनाई थी। झूठ बता रहा था कि अगर मुझसे ब्राह्म्स को कोई अलग करने की कोशिश करेगा तो ब्राह्म उसे मार देगा। झूठ के बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था और वो उसी डॉल की तरह पोशाक पहनता है और उसी की तरह हाव भाव करने लगता है। झूठ उन दोनों को ब्राह्म्स के रूल्स बताते हैं, जिनमें एक ये था कि उस घर में अतिथियों का आना मना था। अगर कोई अतिथि आए तो ये बात ब्राह्म्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन झूठ के फादर अगले कुछ दिन में कुछ गेस्ट को यहाँ पर बुला लेते हैं। झूठ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो उसके माँ बाप के साथ बुरे व्यवहार करने लगता है। उसके मदर उसको सजा देता है कि वो इसी डिनर टेबल पर बैठा रहेगा, लेकिन अचानक से डाइनिंग टेबल उलट जाता है। झूठ के मदर को लगता है कि ये सब झूठ ने किया, लेकिन असल में ये सब कौन कर रहा था वो तो हम सभी जानते हैं। झूठ के फादर जब वहाँ पर आता है तब वो बोलता है कि ये काम अकेला झूठ के बस का नहीं है, उनको लगता है कि ये काम झूठ के मदर ने किया है, क्योंकि वो हमेशा ही मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी थी उस घटना के बाद से। अगले सीन पर हम देखते हैं कि उस आदमी के डॉग को जो जंगल में मरा पड़ा है। झूठ के मदर इन्हीं सब के चलते झूठ को वहाँ पर एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन झूठ उस डॉल के साथ उस घर से निकल जाता है और वो उसी घर में चला जाता है जहाँ पर ब्राह्म्स रहा करता था। झूठ के मदर अपने बेटे को ढूंढने लगती है और वो ढूंढते ढूंढते उसी घर में आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद झूठ के पेरेंट्स को सभी बातें अजीब लगने लगती है। वो लोग यहाँ पर झूठ को देखता है जो कि उसी डॉल के मुखौटा पहने हुए था, वो यहाँ पर उसके डॉल के साथ था, लेकिन तभी वहाँ पर झूठ के फादर आ जाता है। तभी वो कुत्ते वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो झूठ के पेरेंट्स को ब्राह्म्स के कहानी सुनाने लगता है, वही कहानी जो कि हमने मूवी के पहले पार्ट में देखा था। उस आदमी उनको बताते हैं कि ब्राह्म्स इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि वो यहाँ पर रहने वाले दो लोगों को मार दिया और उसके बाद वो खुद भी मर गया था। ये सारे कहानी सुनकर झूठ के पेरेंट्स को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि झूठ ने भी उनके डॉल का नाम ब्राह्म्स रख दिया था और वो अचानक से ही ठीक हो गया था और वो हमारे साथ बातें भी करने लग गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि झूठ के फादर के जो दोस्त है वो लोग यहाँ पर आ गया था और हम देखते हैं कि झूठ उसी डॉल के तरह ड्रेसअप होकर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। गेस्ट में एक हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे थे जो लोग झूठ के साथ बाहर खेलने आ गया था। झूठ के हाथ में वही पुतला था।
उसमें से जो लड़का था वो कहता है कि तुम्हारे डॉल मेंटल है और हमें तो लगता है कि तुम भी मेंटल हो। अचानक से वो बच्चा एक रॉड पार गिर जाता है और ये रॉड उसके सीने के आर पार हो जाता है। जूट के फादर जल्दी से उसके फ्रेंड के साथ इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। घर में अब सिर्फ जूट और उसके मदर थी। जूट के मदर उस डॉल को बाहर ही छोड़ आती है। वो इस डॉल की हिस्ट्री को इंटरनेट पर सर्च करती है और उसको यहाँ पर पता चलता है कि जूट बचपन में एक छोटी सी लड़की को मार के फिर गायब हो गया था। और इसके बाद से इस घर में बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंट होने लगे थे। ये सारी बातें देखकर जूट के मदर हैरान हो जाती है और वो अंदर से डरने भी लगती है। तभी वो रियलाइज़ करती है कि उनके बेटे घर में नहीं था और वो डॉल भी वहाँ पर नहीं था। तभी वो आदमी जूट के मदर के पास आता है और वो बताता है कि ब्राह्म ने ही मुझे इस डॉल को उसी जगह पे खोद के छुपाने को बोला था ताकि तुम्हारे बेटे उस डॉल को ढूंढ सके। ब्राह्म के सोल हमेशा से ही जूट जैसे मासूम बच्चे को ढूंढते हैं और अब वो लोग हमेशा ही साथ में रहेंगे। हमें पता चलता है कि उस आदमी के सोल भी ब्राह्म्स के कंट्रोल में था और वो जूट के मदर को उनके बातों में फंसा कर रोक रहा था ताकि वो अपने बेटे को बचाने के लिए ना जा सके। जूट के मदर बड़े ही चालाकी से इस आदमी के सर पे कॉपी मार देता है और यहाँ से निकल जाता है। वो जूट के फादर के गान लेकर उसी घर के तरफ जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम जूट के फादर को देखते हैं जिनको एक आदमी बताता है कि ब्राह्म्स एक बहुत ही ज़्यादा साइको लड़का था। जूट के बाप को पता चलता है कि उस आदमी भी ब्राह्म्स के साथ मिला हुआ था और तभी वो अपने घर की ओर भागने लगता है। जूट के मदर जब ब्राह्म्स के घर में पहुंचता है तब वो देखती है कि जूट ने वही मास्क पहना हुआ था जो कि पहले पहने थे। उसके हाथ में वही डाल था। जूट के मदर उसको बहुत प्यार से बोलता है कि देखो बेटा, तुम इस डॉल को नीचे रख दो, ये एक बुरी आत्मा है। लेकिन जूट उनकी कोई बात नहीं सुनता और उसके हाथ से गान लेकर उसी पर तान देता है। तभी वहाँ पर जूट के फादर आ जाता है। इससे पहले कि जूट उसके मदर के साथ कुछ करता, जूट के फादर वहाँ पर आकर उसके हाथ से गान छीन लेता है। जूट के फादर उस डॉल को भी तोड़ देता है। वो एक बड़ा सा रॉड लेकर उसके सर पे मार के उसके टुकड़े कर देता है। और तभी हम देखते हैं जूट भी नॉर्मल हो गया था और उसके पेरेंट के पास चला जाता है। उनके परिवार दोबारा मिल गई थी। तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो टूटी हुई डॉल अचानक से जुड़ने लग गई थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले के जैसा मासूम नहीं था। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था और वो उस आदमी को हवा में उड़ाने लगता है और आग लगाकर उसको जला के मार देता है। इससे पहले कि वो डॉल जूट के पेरेंट्स को कुछ करता, जूट उस डॉल के साथ दोबारा प्यार से बातें करने लगता है और वो डॉल भी शांत हो जाता है। लेकिन तभी जूट उस डॉल को धोखे से उस आग में फेंक कर जला देता है। इससे इस डॉल के पावर्स और इविल थॉट्स सभी ख़त्म हो जाते हैं और हम आगे देखते हैं कि वो लोग खुशी खुशी इस घर से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लोग सिटी पहुंच जाते हैं और अपने पुराने घर में रहने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रात को जूट वो मास्क पहन के आईने के सामने खड़ा होकर हमसे बातें करने लगता है। हमें पता चलता है कि ब्राह्म शायद अभी तक इसी दुनिया में जूट के अंदर है, मतलब कि उसने जूट के आत्मा को अपने वश में कर लिया था। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है।